हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेस्टोरेंट्स लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गई हूँ एक चटपट बन जाने वाला रेसिपी जिसका नाम हम लोग बोलते हैं गोला रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गोला रोटी बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए अराउंड 2 कप के करीब हम लोगों को चाहिए लाल मैदा, और जिसको आटा भी हम लोग बोलते हैं। उसके साथ हम लोग को चाहिए 1 बड़े कटे हुए प्याज के टुकड़े और 2 ग्रेट चिलीज। इसके साथ हम लोगों को चाहिए 2 अंडे, कसूरी मेथी, चीनी, कलौंजी और नमक। ये सब 1 टीस्पून करके है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आटे में हम लोगों को लेना होगा प्याज कटे हुए, जो हम लोगों ने प्याज रखा था उसको। उसके बाद हम लोग डाल देंगे रेड चिली, ये 2 रेड चिली है। इसके बाद हम लोग जो मसाले लिया है कसूरी मेथी, कलौंजी, नमक और चीनी 1 टीस्पून करके, वो हम लोग एक साथ डाल देंगे इसके ऊपर। और अब हम लोगों को लेना है अंडे, तो 2 अंडे हम लोगों को इसके ऊपर ऐसे ही डाल देना है बिना फेंट के। हमें इन सबको एक साथ मिला लेना है और पानी, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है और एक साथ घोल लेना है। जैसे हम लोग बेसन को घोलते हैं ना, बेसन का बैटर जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे इसको घोल के बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से घोलना है। इसका फॉर्म ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होगा और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। ये देखिए बैटर ऐसा बनेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं गोला रोटी। तो पहले गैस में तवा चढ़ा देते हैं, ये आयरन का तवा है और इसे अच्छे से हम लोगों को गर्म करने देना है। आप लोग तवा अच्छे से गर्म कीजिएगा, नहीं तो वो जो रोटी हम लोग बनाएंगे ना वो तवे में अटक जाएगा और उठेगा नहीं, चिपक जाएगा। तो अब उसमें तेल दे देंगे हम लोग 1 टेबल स्पून के अराउंड तेल दे देंगे और उस तेल को अच्छे से फैला लेंगे तवे में। और उस तेल को भी हम लोगों को अच्छे से गर्म होने देना है। गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तवे पे चिपक जाएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें ये जो करछी है, इस 1 करछी के अराउंड ये बैटर हम लोगों को तवे में दे देना है, थोड़ा सा देना है। इसके बाद हम लोगों को इस करछी के मदद से अच्छे से इसको फैला लेना है राउंड शेप में। जैसा शेप आता है आप लोग कीजिए, मैं ऐसे कर रही हूँ। देखिए अच्छे से करने के बाद इसका एक साइड अच्छे से पकने के लिए हम लोगों को दे देना है। ये देखिए इसका एक साइड अब अच्छे से हो गया है। अब हम लोगों को इसको पलट देना है। देखिए तवा गर्म होने के कारण कितना आसानी से हम लोग इसको पलट पाए। अगर तवा गर्म ना होता तो इसको हम लोग पलट ना पाते और ये नीचे चिपक जाता। इसलिए तवे को और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, ठीक है। अब उसका दूसरा साइड भी हम लोगों को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। ये देखिए हम लोगों का दूसरा साइड भी हो गया है। अब हम लोग इसको पलट लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको पलट पलट के थोड़ा सा करके हम लोग एक प्लेट में ले लेंगे। अब मैं दूसरा भी आपको एक करके दिखाती हूँ।
ताकि आप लोग समझ पाए कि कैसे बन रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये और बहुत इजीली बन जाता है, झटपट बन जाता है। अगर आप लोगों को कहीं पर जाना हो, यहाँ पर आप लोगों को देर हो जा रहा है, तो आप लोग ये झटपट बना के आप लोग नाश्ते पे खा सकते हैं। एक रोटी को मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत नरम बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम लोग गोला रोटी या फिर एक पराठा भी बोल सकते हैं। आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।